एक बार न उनको शर्म आई और न तो आज उनके बदले जो मुख्यमंत्री की चेयर पे बैठ के जो आदरणीय सुनीता केजरीवाल जी ने इंटरव्यू दिया, उनको भी जरा सा भी सोच नहीं आया। जब उस राजमहल में गए, जबकि कहा करते थे हम दो कमरों के घर में रहेंगे, कोई लाल बत्ती नहीं लेंगे, करोड़ों की गाड़ियों का काफिला, राजमहल, शीश महल जब उसमें जा रही थी वो, तब उनको नई नैतिकता की याद आई थी। ईडी और सीबीआई 2014 के पहले ऐसे काम नहीं करती थी। इस देश का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी पनपे, कोई नहीं चाहता, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनोज तिवारी हो, कोई भी होगा जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। जेल से सरकार चलाने की बात हो रही है, जेल से गैंग चला करते हैं, जेल से सरकार नहीं चलती। आपके दिमाग में एक कहानी आएगी जिस कहानी का टाइटल होगा एक सफर स्वराज से शराब तक। एक सफर शुरू हुआ जो बात तो कर रहा था स्वराज का, लेकिन खत्म हो गया है शराब पर। बच्चों को शराब पिलाने की जिद पर, गली गली शराब की दुकान खोलने की जिद पर, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम, शराब घोटाला। अरविंद केजरीवाल ने ठान लिया है कि ना तो हम कानून का पालन करेंगे और ना तो किसी को कानून का पालन करने की प्रेरणा देंगे, भले संविधान की शपथ लिए हो। दिल्ली के खजाने की लूट छोटी मोटी नहीं हुई है, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली के खजाने का, जिससे झुग्गी बस्तियों में साफ पानी दिया जा सकता था, लोगों के घरों में नल से जल दिया जा सकता था, साफ पानी दिया जा सकता था, टूटी गलियों को ठीक किया जा सकता था, पानी के जल जमाव की निकासी हो सकती थी, बुजुर्गों के पेंशन दिए जा सकते थे, गरीबों के राशन कार्ड बनाए जा सकते थे, यमुना जी और दिल्ली की हवा को साफ किया जा सकता था। लेकिन ये चिंता थोड़ी है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की एकमात्र चिंता है कि हम जल्दी से जल्दी कैसे राजमहल में रहने लगे। एक बार न उनको शर्म आई और न तो आज उनके बदले जो मुख्यमंत्री की चेयर पे बैठ के जो आदरणीय सुनीता केजरीवाल जी ने इंटरव्यू दिया, उनको भी जरा सा भी सोच नहीं आया कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और फिर हाथ मिला लिया उन्हीं बच्चों की झूठी कसम खा के। काश एक बार वो आकर के बोल दी होती कि मेरी आत्मा को दर्द हो रहा है, तब सुनीता जी को तकलीफ नहीं हुई। जब उस राजमहल में गए, जबकि कहा करते थे हम दो कमरों के घर में रहेंगे, कोई लाल बत्ती नहीं लेंगे, करोड़ों की गाड़ियों का काफिला, राजमहल, शीश महल, जब उसमें जा रही थी वो, तब उनको नई नैतिकता की याद आई थी। आज इस देश में एक बड़ी जोरदार चर्चा है कि ईडी और सीबीआई कमाल का काम कर रही है, कुछ लोग उनको कोसते भी हैं जो भ्रष्टाचारी होते हैं। ईडी और सीबीआई 2014 के पहले ऐसे काम नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि 2014 के पहले जो सरकार थी कांग्रेस, वो तो ईडी और सीबीआई को वो ताकत ही नहीं देते थे, क्योंकि उनको एक दूसरे के भ्रष्टाचार को संरक्षित करना होता था। अक्रॉस द पार्टी भ्रष्टाचार को, वो किसी पार्टी का भ्रष्टाचार किया है, अच्छा जी, चोर चोर मौसेरे भाई चलते थे, बड़ी कहानियां आई हैं। हां, 2014 के 1.5-2 साल पहले जरूर कुछ अधिकारियों ने तेवर दिखाए और सत्य से काम लिया, तब इस देश में कोयला घोटाला आया, तब इस देश में 2G घोटाला आया, तब इस देश में 12 लाख करोड़ का कांग्रेस सरकार का घोटाला आया। दोस्तों, 2014 के बाद सरकार बदल चुकी है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। ईडी, सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी हो, उसको फुल हैंड दिया गया, पूरी स्वतंत्रता, और इस सोच के साथ कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। दर्द इसी बात का लोगों को है,
इस देश का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी पनपे, कोई नहीं चाहता। लेकिन जिन लोगों ने सत्ता में रह के भ्रष्टाचार किए, आज नरेंद्र मोदी जी की नीति है कि कोई भी जांच एजेंसी वो अपने तथ्यों पे जाए, कोई भी व्यक्ति होगा जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी, वो चाहे कोई और हो या मनोज तिवारी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे मनोज तिवारी हो, कोई भी होगा जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। और आज ये पूरी बातें दिन भर चलती रही हैं, जेल से सरकार चलाने की बात हो रही है, जेल से गैंग चला करते हैं, जेल से सरकार नहीं चलती। और जो जिद पे हैं, संविधान को तार तार करने की जिद पे हैं, उनके लिए भी संविधान में कायदे कानून हैं, चोरी और सीनाजोरी दोनों। और इंतजार कर रहे दिल्ली की जनता आएगी, हम शाम तक देख रहे हैं दिल्ली की जनता तो जो सुन रही है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गया तो जो शब्द बोल रहे हैं वो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता हूं, ऑलमोस्ट गालियां देते हुए बोल रहे हैं, भला गया ऐसी बात। महिलाएं लोग जो सड़कों पे आती थी, चित्कार करती थी, प्रदर्शन करती थी, जो कभी घर से नहीं निकली थी, तब एक बार फिर से हमें ये बात याद आ रही है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल ने जो किया उसकी सजा उनको मिल रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो ऐसे ही सजा पाएगा, उसको पाना चाहिए। बार बार बीजेपी को दोष देना अब दिल्ली की जनता बहुत समझ चुकी है, मनीष सिसोदिया जी को बेल देना ये बीजेपी का काम नहीं है, कोर्ट का काम है, नहीं मिल रहा है। संजय सिंह जी को बेल देना कोर्ट का काम है, बीजेपी का नहीं है, नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट गए, सारे प्रूफ देखने के बाद जज साहब कहते हैं ये आदमी अभी तक बाहर क्यों है, और स्पष्ट कहा हम आपको गिरफ्तारी से नहीं रोक सकते। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को दोष मत दे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता, जो तथ्य हैं उन पे आगे बढ़िए। हम अभी भी वकालत करते हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो भरेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।